हेलो एवरीवन वेलकम टू नॉलेज पॉइंट वी आर स्टडिंग यूनिट फाइव सरफेस केमिस्ट्री ऑफ क्लास ट्वेल्थ एन सी केमिस्ट्री लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एड्सॉपसन प्रोसेस ऑफ डिस ऑप्शन इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है तीनों डेफिनेशंस में एडजॉर्ब क्या होता है और एडजॉर्बेंट क्या होता है तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिविज़न कर लेते हैं लेटेस्ट कंसीडर आपके पास कोई एक सॉलिड सरफेस गिवन है इस सॉलिड सरफेस पे एक अनोदर मैटर आके क्या हो जाता है इकट्ठा हो जाता है मींस कंसंट्रेशन इसकी इंक्रीज होने लगती है ऑन द सरफेस ऑफ दिस मैटर वन ये है मान लिया आपने ये है मैटर टू तो इस प्रोसेस में जब भी सरफेस के ऊपर मैटर टू की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो मैटर टू कहलाएगा आपका एडजॉर्वेट और ये जो मैटर वन है ये कहलाएगा आपका एडजॉर्वेंट और ये जो प्रोसेस हो रही है कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने की इसको कहते हैं एडसॉप्शन आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एड्सॉप्शन आइसोथर्म्स की आइसोथर्म का क्या मतलब होता है आइसोथर्म मीन्स कॉन्स्टेंट टम्परेचर किसी भी एक फ़िक्स टेम्परेचर पे जो भी कर्व आपको मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड आइसोथर्म एट आइसोथर्म के केस में आप क्या करेंगे एक्स अपॉन एम को प्रेशर पी के रिस्पेक्ट में ड्रा करेंगे एट एनी फिक्स टेम्परेचर टी टेम्परेचर को आप फिक्स रखेंगे और वेरिएशन ऑफ एक्स अपॉन एम इज़ प्लॉटेड अगेंस्ट द प्रेशर पी एक्स अपॉन एम क्या है यहाँ पे एक्स इज द क्वांटिटी ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एम इज़ द क्वांटिटी ऑफ एडजॉर्बेंट पी क्या है पी आपका प्रेशर है टेम्परेचर टी कांस्टेंट रहेगा आपका तो देखते हैं किस तरह के आइसोथर्म्स मिलेंगे आपको और ये जो आइसोथर्म्स की इक्वेशन है वो दी थी फ्रेंडलिच ने फ्रेंडलिच एडजॉर्पन आइसोथर्म की इक्वेशन क्या है एक्स अपॉन एम इक्वल्स टू के इंटू पी रेस्ट टू पावर वन बाई एन वेयर एन इज़ ग्रेटर देन वन एन ऑलवेज क्या होगा आपका ग्रेटर देन वन होगा एक्स क्या है यहाँ पे एक्स इज़ द क्वान्टिटी ऑफ एडजॉर्बेंट और यू कैन से फॉर द गैसियस फॉर्म ऑफ एड्जॉर्बेट इट इज़ द मास ऑफ गैस जो भी गैस का मास एबज़ॉर्ब होगा वो क्या है एक्स है एम क्या है आपका एडजॉर्बेंट का मास है प्रेशर क्या है पी है के क्या है आपका के और एन ये दोनों क्या है कांस्टेंट हैं इस इक्वेशन को प्लॉट करें तो किस तरह के कर्व मिलेंगे आपको देखिए आप एक्स एक्सिस पे आपने क्या ले लिया प्रेशर पी बाई एक्सिस पे ले लिया आपने एक्स अपॉन एम का रेशियो तो किसी भी टेम्परेचर T1 पे जो टेम्परेचर आपने मान लिया 273 सेवेंटी थ्री इस टेम्परेचर पर ये जो वेरिएशन होगा x अपॉन एम का विद द प्रेशर P वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा आपको सिमिलरली क्या किया टेम्परेचर थोड़ा सा और कम कर दिया तो उस केस में क्या होगा 244 फोर्टी पे किस तरह का कर्व दिख रहा है आपको कुछ इस तरह का कर्व दिख रहा है और कम कर दिया टेम्परेचर 195 नाइन्टी कर दिया तो कर्व किस तरह का दिखेगा कुछ इस तरह का दिखेगा अब आप इसमें देख रहे होंगे कि एट एनी फिक्सड टम्परेचर जो ये वेरिएशन हो रहा है वो जब प्रेशर बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ये वेरिएशन एक्स अपान एम का वेरिएशन जो है वो फिक्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए आप एक्सपोनेंशियली राइज़ कर रहा है राइज़ कर रहा है और एक मोमेंट पे आके ये फिक्स हो जा रहा है मींस जब आप प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो x अपॉन एम का जो रेशियो है वो कांस्टेंट हो जाएगा बट ये जो प्रोसेस है x अपॉन एम के रेशियो के कांस्टेंट होने की ये जो ये इक्वेशन दी थी फ्रेंडलिश ने इस इक्वेशन से एक्सप्लेन नहीं हो पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है मींस ये इक्वेशन फेल हो गई ये बात एक्सप्लेन करने में कि विद द इनक्रीज इन प्रेशर मीन्स जब आप प्रेशर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं उस टाइम पे जो एक्स अपॉन एम का रेशियो है वो कांस्टेंट क्यों हो जाता है ये इसका एक एक्सेप्शन है इसको आप याद रखेंगे काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम्स में सेम इक्वेशन को लॉगरिथमिक पैरामीटर्स के टर्म्स में प्लॉट करें तो क्या मिलेगा आप देखिए आप पहले इक्वेशन को देखिए इक्वेशन क्या थी आपके पास एक्स अपॉन एम इक्वल्स टू के इंटू पी रेस्ट टू पावर वन बाई एन एक इस इक्वेशन क्या करिए आप बोथ साइड लॉगार्थमिक ले लीजिए बोथ साइड लॉग लेने पे आपको क्या मिलेगा लॉग एक्स अपॉन एम इक्वल्स टू लॉग के इंटू पी रेस्ट टू पावर वन अपॉन एन अब इसमें क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन में दो फैक्टर हैं इनको आप ब्रेक कर सकते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप इसको लिख सकते हैं आप इस तरह से लॉग एक्स अपान एम इक्वल्स टू लॉग के प्लस लॉग पी रेस टू पावर वन अपान एन अब ये जो पावर बन अपने एन है ये कॉफिशेंट में आ जाएगी लॉग की प्रॉपर्टी है ये तो इसको किस फॉर्म में लिख लेंगे आप लॉग एक्स अपॉन एम इक्वल्स टू वन अपॉन एन लॉग पी प्लस लॉग के इस फॉर्म में आ जाएगी इक्वेशन इसको अगर स्ट्रेट इस लाइन की इक्वेशन से आप कंपेयर करें तो आपको क्या मिलता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी सी क्या होता है कांस्टेंट होता है तो यहाँ पे लॉग के क्या है कांस्टेंट लॉग के की वैल्यू कितनी आ गई कांस्टेंट है और एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट कर लें आप लॉग पी को प्लॉट कर लें बाई एक्सिस पे आप क्या प्लाट कर लें लॉग एक्स अपॉन एम को प्लाट कर लें तो जो ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको उसका स्लोप कितना मिलेगा उसका स्लोप होगा वन वाई एन स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन से कंपेयर करके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो स्ट्रेट लाइन अब मिलने वाली है उसका स्लोप वन वाई एन होगा तो प्लॉट करते हैं स्ट्रेट लाइन को लॉक बी एक्स एक्सिस पे आ गया लॉग एक्स अपॉन एम एक्सिस पे आ गया ये आपको स्ट्रेट लाइन मिल गई इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है वन वाई एन स्लोप होता क्या है चेंज इन बाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस तो चेंज इन बाई एक्सिस कितना है वी अपॉन डेल्टा एक्स कितना है ए तो ये क्या हो गया स्लोप हो गया इसका इस इक्वेशन को लॉगरिथमिक फॉर्म में आप कह सकते हैं क्या है ये फ्रेंडलिच आइसोथर्म है और सिंपल फॉर्म में कौन सा था वो एक्सपोनेंट के फॉर्म में मिलेगा लॉग लॉक के फॉर्म में जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी तो ये थी आपकी फ्रेंडलीस्ट इक्वेशन का वेरिएशन ऑफ एक्स अपॉन एम विद द प्रेशर अब जो ये वैल्यू थी बन अपॉन एन ये क्या था एक कांस्टेंट था बन अपॉन एन की वैल्यू अगर किसी भी मोमेंट पे जीरो है तो क्या इक्वेशन हो जाएगी मान लीजिए जो बन अपॉन एन है इसकी वैल्यू जीरो है तो इस केस में क्या होगा जो आपका x अपान एम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा के मीन्स जो x अपान एम की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी क्योंकि के क्या है कांस्टेंट है सिमिलरली वन अपान एन की वैल्यू अगर आप ले लेते हैं वन ले लेते हैं अस कंसीडर इट इज़ वन उस केस में क्या होगा देखिए आप वन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा एक्स अपान एम लॉग एक्स अपन एम बराबर क्या हो जाएगा लॉग के इन टू पी यही तो हो जाएगा देखिए आप यहाँ पर वन अप कर दीजिए सबसे पहले लॉग एक्स अपान एम इक्ल टू लॉग के प्लस लॉग पी तो लॉग के प्लस लॉग पी क्या हो जाएगा आपका लॉग के इंटू पी इक्वल टू में क्या आ जाएगा लॉग एक्स अपान एम लॉग लॉग कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको एक्स अपान एम इक्वल्स टू के इन टू पी के कॉन्स्टेंट है तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं आप एक्स अपान एम प्रोपोर्सनल टू पी मीन्स जब वन अपान एन की वैल्यू वन होगी उस समय जो एडजॉर्वेट टू द एडजॉर्वेंट रेशियो होगा वो प्रोपोर्शनल टू होगा प्रेशर के ये बात इम्पोर्टेंट है आपको याद रखनी है ये इंपॉर्टेंट नोट है क्या दिया गया इसमें द एक्सपेरिमेंटल आइसोथर्म्स ऑलवेज सीम टू अप्रोच सैचुरेशन एट हाई प्रेशर क्या बताया था मैंने जब प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है उस समय क्या होता है जो एक्स अपान एम का रेशियो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है वही बात यहां पे लिखी है एट जो आइसोथर्म्स हैं वो सीम्स टू अप्रोच एट दि सेचुरेशन एट हाई प्रेशर दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाई फ्रेंडलिच आइसोथर्म दस इट फेल्स एट हाई प्रेशर समझ गए इतनी बात कि जब प्रेशर आप एक लिमिट से ज़्यादा एक्सीड कर देंगे उस समय जो सेचुरेशन की कंडीशन आती है आइसोथर में वो क्यों आ रही है ये बात फ्रेंडलीच इक्वेशन एक्सप्लेन करने में फेल हो गई कंप्लीटली अब एडसॉप्सन की प्रोसेस को देखेंगे सोलूशन फेज में जो अभी प्रोसेस हम लोगों ने देखा था वो था फॉर द गैस जो आपका एडजॉर्बेट था वो गैसेस फॉर्म में था अब एडजॉर्बेट अगर आपके पास सोलूसन फॉर्म में है तो क्या होगा तब तो आप कंसीडर कर लीजिए एक आपके पास कोई एडजॉर्बेंट है और जो आपका एडजॉर्बेट है वो लिक्विड फॉर्म में है या आप कह सकते हैं वो सोल्यूशन के फॉर्म में है तो सल्यूशन के अंदर क्या क्या होता है आपने पढ़ा था सोल्यूशन चैप्टर में एक तो सॉल्वेंट होता है सॉल्वेंट के अंदर क्या मिक्स होता है सॉल्यूट मिक्स होता है जब ये सॉल्यूशन किसी एडजॉर्वेंट के संपर्क में आएगा तो क्या होगा इसके सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट्स होंगे वो एबजॉर्ब हो जाएंगे कहाँ पे एबजॉर्ब हो जाएंगे वो एबजॉर्ब हो जाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्वेंट तो ये जो प्रोसेस होगी इसको क्या कहेंगे एड्सॉपसन ऑफ सॉल्यूशंस इस केस में जो इक्वेशन होगी आपकी फ्रेंडली इक्वेशन किस तरह से लिखी जाएगी एक्स अपॉन एम इक्वल्स टू के इंटू सी रेस्ट टू पावर वन बाई एन गैस के केस में क्या था वहाँ पे आपने प्रेशर लिया था बट केस ऑफ सोल्यूशंस आप कंसंट्रेशन लेंगे इक्वेशन का रिलेशन सेम है इक्वेशन सेम फॉर्मेट में रहेगी बट क्या होगा सोल्यूशंस केस में प्रेशर रिप्लेस हो जाएगा किससे से से यही बात आपको याद रखनी है लॉग ले लेंगे तो इक्वेशन का फॉर्म सेम उसी तरह से चेंज हो जाएगा लॉग एक्स अपॉन एम्स टू लॉग के प्लस अपॉन एन लॉग सी डिफ्रेंस आपको पता चल गया सोलूशन के केस में कंसनट्रेशन लेनी है गैस के केस में आपको हमेशा प्रेशर लेना है अब जो सोल्यूशन आपका एडजॉर्ब हो रहा है ऑन द सर्फेस ऑफ एडजॉर्बेंट वो किन किन कंडीशंस में बैरी करता है या किन किन फैक्टर्स से अफेक्ट होता है तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस क्या थे कि जैसे जैसे क्या होगा टेम्परेचर इंक्रीज हो जा होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा एडसॉप्सन की जो प्रोसेस होगी वो डिक्रीज होती जाएगी मींस इफ टेम्परेचर इंक्रीज तो एडसॉप्शन की प्रोसेस क्या होगी दैट इज़ डिक्रीज़ प्शन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सिमिलरली जो एडसॉप्शन की प्रोसेस है वो इनक्रीज होगी विद इनक्रीज ऑफ सरफेस एरिया अगर आप एड्जॉर्मेंट का तो सरफेस एरिया इनक्रीज, इनक्रीज कर देते हैं तो एडसॉप्शन की प्रोसेस क्या होगी इंक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर इनक्रीज कर देते हैं तो एडसॉप्शन की प्रोसेस क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट अगर आप बढ़ा देते हैं तो क्या होगा तो भी एड्सॉप्शन की प्रोसेस बढ़ जाएगी इसी तरह से कुछ एप्लीकेशंस दिए हैं इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ये आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं इन योर एग्जाम्स की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं एड्सॉप्शन के ये आप देख लेना अब बात करते हैं कैटालिस्ट एंड कैटालिसिस की कैटालिस्ट क्या होते हैं कैटा आर द सबस्टेंसेज विच एक्सिलेट द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो पदार्थ या जो मैटर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देते हैं उनको कहते हैं हम कैटालिस्ट और ये जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं कैटा प्रोमोटर्स क्या होते हैं लेटेस्ट कंसीडर दिस एग्जांपल हैबर्स प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग द अमोनिया हैबर प्रोसेस से जो अमोनिया बनाते हैं उसमें क्या करते हैं नाइट्रोजन के एक मालिक्यूल के साथ तीन मालिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं किसकी प्रेजेंस में आयरन और मोलिब्डेनम के प्रेजेंस में रिएक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं अमोनिया बनाते हैं यहाँ पे जो एफ आयरन है वो काम करता है आपका कैटालिस्ट का और जो मोलिब्डेनम है आपका यह काम करता है प्रोमोटर का अब ये जो मोलिब्डन है वो प्रोमोटर का काम किस तरह से करता है प्रोमोटर की डेफिनेशन क्या है प्रोमोटर की डेफिनेशन ये होती है कि वो पदार्थ जो किसी भी कैटालिस्ट की रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं या आप कह लें एक्टिविटी को इनक्रीज कर देते हैं उनको हम कहते हैं प्रोमोटर्स और जो एलिमेंट कैटालिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देते हैं उनको हम कहते हैं पॉइजन तो यहाँ पे जो आपका आयरन है वो किसका रोल प्ले कर रहा है वो प्ले कर रहा है आपका कैटालिस्ट का रोल और जो आपका मोलिबनम है वो क्या रोल प्ले कर रहा है वो रोल प्ले कर रहा है आपका प्रोमोटर का क्योंकि ये जो एमओ है ये आप एफ का जो एक्टिविटी है वो इनक्रीज कर रहा है इन मैन्युफैक्चरिंग द अमोनिया बाय द प्रोसेस ऑफ हैवर होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होती है होमोजीनियस कैटालिसिस वो कैटालिसिस होती है जिसमें आपके जो रिएक्टेंट्स होते हैं और जो कैटालिस्ट है वो सेम फेज में होता है सेम फेज कहने का मतलब है अगर आपके रिएक्टेंट्स गैसियस फॉर्म में और कैटालिस्ट भी गैसियस फॉर्म में है तो ये जो प्रोसेस होगी वो कहलाएगी होमोजीनियस कैटालिसिस फॉर एग्जाम्पल टू एस ओ टू प्लस ओ टू मिलके क्या बनाते हैं टू एसओ थ्री यहाँ ये होता है प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एनो तो ये एनो भी गैसेस फॉर्म में है ऑक्सीजन भी गैसेस गैसेज फार्म है एसोटू भी गैसेस फॉर्म है और जो प्रोडक्ट आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी गैसेस फॉर्म में तो इस वजह से ये प्रोसेस कहलाती है होमोजीनियस कैटालिसिस हैट्रोजीनियस कैटालिसिस में क्या होता है जो आपके कैटालिस्ट और रिएक्टेंट्स की जो फेजेज हैं वो डिफरेंट होती हैं दैट इज कॉल्ड हाइट्रोजीनियस कैटालिस्ट हैट्रोजीनजीनियस कैटालिस्ट क्या है यहाँ पे प्लेटिनम एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैट्रोजीनियस कैटालिसिस अब समझेंगे बात कि जो हैट्रोजीनियस कैटालिसिस की एडसॉपसन थ्योरी है वो किस तरह से वर्क करती है एक्चुअल में ये दो थ्योरी हैं एक तो ओल्ड थ्योरी है एक मॉडर्न थ्योरी है सबसे सब पहले बात करते हैं ओल्ड थ्योरी की ओल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है जो ओल्ड थ्योरी है आपकी एडसॉपसन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस उसके अकॉर्डिंग जो रिएक्टेंट्स आपके गैसियस स्टेट में होते हैं या सोलूसन स्टेट में होते हैं वो एबजॉर्ब हो जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट मींस आपके पास एक ये कैटालिस्ट गिवन है सॉलिड कैटालिस्ट है और ये आपके रिएक्टेंट्स हैं एक प्लस और ये किस फॉर्म में ये आपके गैसियस फॉर्म में है या, या आपके लिक्विड फॉर्म में है तो ये क्या करेंगे ये एबज़ॉर्ब हो जाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट सॉलिड कैटालिस्ट की सरफेस पे ऐबज़ॉर्ब हो गए इसके बाद क्या होगा जब ये एबज़ॉर्ब होते जाएंगे उस समय क्या होगा इन रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन सरफेस पर क्या होगी इनक्रीज होती जाएगी कंसनट्रेशन जब जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट वैसे वैसे रिएक्शन का जो रेट ऑफ़ रिएक्शन होगा वो इंक्रीज होता जाएगा और जैसे जैसे रेट ऑफ़ रिएक्शन इंक्रीज होगा और एक्जोधर्मिक प्रोसेस में क्या होता है हीट रिलीज होती है तो हीट जो रिलीज होगी वो फर्दर क्या करती है रेट ऑफ़ रिएक्शन को इंक्रीज करती है तो इस तरह से ये रिएक्शन चलती रहती है और आपके प्रोडक्ट्स बनते रहते हैं रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते रहते हैं किसमें प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते रहते हैं बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ़ कैटालिसिस क्या है डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट जो भी आपके रिएक्टेंट्स होते हैं वो डिफ्यूज होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट एडसॉपन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट डिफ्यूज होने के बाद क्या होगा ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे रिएक्टेंट्स के वो एडसॉप्स हो जाएंगे कहाँ पे ऑन द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट कैटालिस्ट की सरफेस पे सारे के सारे एडसॉप्ट हो जाएंगे या आप कह सकते हैं उनका एडसॉप्सन हो जाएगा इस वजह से क्या होगा आफ्टर द प्रोसेस ऑफ एडसॉपन ऑकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द कैटालिस्ट सरफेस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट क्या देखा आपने जो रिएक्टेंट्स थे वो सारे के सारे आगे कैटालिस्ट की सरफेस पे बाय द प्रोसेस ऑफ एडसॉपसन और इस प्रोसेस ऑफ एडसॉप्सन की वजह से एक कैटालिस्ट के साथ क्या होगा रिएक्टेंट्स की बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी ये जो रिएक्टेंट्स की बॉन्डिंग कैटालिस्ट के साथ क्रिएट हो रही है कुछ समय के लिए इसको कहते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट अब ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिस ऑप्शन डिस ऑप्शन की प्रोसेस में क्या देखा था आपने जो भी एड जॉर्बेंट की सरफेस में मॉलिक्यूल्स कलेक्ट हो गए वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स रिमूव करने की प्रोसेस को क्या कहते थे डिसऑप्सन कहते थे तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है रिएक्टेंट्स किसकी सरफेस पे इकट्ठे हो रहे हैं कैटालिस्ट की सरफेस पे इकट्ठे हो रहे हैं अब कैटालिस्ट की सरफेस पे इकट्ठे होने के बाद उन्होंने क्या किया एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लिया अब होगा आपकी डिसऑप्शन की प्रोसेस वहाँ से रिमूव करेंगे जो भी एलिमेंट्स कलेक्ट हुए थे और किसको रिमूव करेंगे कैटालिस्ट को रिमूव करेंगे डिसऑप्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कैटालिस्ट सर्फेस एंड देर वाई मेकिंग द सर्फेस अवेलेबल अगेन फॉर द मोर रिएक्शन टू अकर सरफेस थी आपके पास यहाँ पे क्या हुआ एट्स ऑप्शन हुआ एड्स ऑप्शन के बाद इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनने के बाद डिसऑप्शन का प्रोसेस हुआ मीन्स आपके प्रोडक्ट्स यहाँ से अलग हो गए जैसे ही जैसे प्रोडक्ट अलग हो गया तो क्या हो गया सरफेस एरिया अवेलेबल हो गया फॉर द प्रोसेस ऑफ एडसॉप्सन फर्दर रिएक्टेंट्स आएंगे ऑन द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा उसके बाद डिसऑप्शन की प्रोसेस होगी और फर्दर यहाँ से क्या होगा प्रोडक्ट बाहर चला जाएगा और एरिया सरफेस एरिया ऑफ कैटालिस्ट अवेलेबल हो जाएगी तो फिर फर्दर क्या होगा रिएक्टेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे तो ये प्रोसेस ऐसे चलती रहती है और आपके जो प्रोडक्ट्स हैं रिएक्टेंट्स जो हैं वो कन्वर्ट होते रहते हैं प्रोडक्ट्स में और कैटालिस्ट आपका सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इनक्रीज करने में हेल्प करता है बाकी रिएक्शंस में टैक्स पार्ट नहीं करता है सिमिलरली इन द केस ऑफ गैसेस होता है गैसेस के केस में भी ऐसा होता है देख लीजिए आप एग्जाम्पल के थ्रू ये देखिए आप कैटालिस्ट की सरफेस है फ्री बैलेंसीस ये रिएक्टिंग मालिक्यूल्स हैं ये इसमें आके ऐड हो जाएंगे तो क्या है ये बॉन्डिंग बन जाएगी इसको क्या कहेंगे इंटरमीडिएट मालिक्यूल्स जब ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया आपके पास बाय बाई द प्रोसेस ऑफ एट सॉप्शन आप क्या होगा डिसोप्शन का प्रोसेस होगा डिसोप्शन के प्रोसेस में क्या करेंगे देखिए आप डिसऑप्शन के प्रोसेस के बाद क्या हो रहा है आपका प्रोडक्ट बन रहा है फ्रॉम द इंटरमीडिएट कंपाउंड कैटालिस्ट अलग हो जा रहा है प्रोडक्ट आपके अलग हो जा रहा है देख लीजिए आप ये देखिए कैटालिस्ट की सरफेस हो गई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हो गए ये इसके ऊपर आ गए तो क्या होगा एड्सॉप्सन की प्रोसेस हो गया एड्सॉप्सन की प्रोसेस से आपको क्या मिलेगा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा क्योंकि ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या कर रहे हैं ये देखिए आप बॉन्डिंग क्रिएट कर ली इन्होंने किसके साथ बॉन्डिंग क्रिएट कर ली कैटालिस्ट के साथ बॉन्डिंग क्रिएट कर ली अब ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होगा कन्वर्ट होगा किसमें कैटालिस्ट और इसमें प्रोडक्ट में बाय द प्रोसेस ऑफ डिसोप्शन ये देखिए आप प्रोडक्ट आपके एंड भी अलग हो गया कैटालिस्ट आपका अलग हो गया तो ये जो थी ये दिस इज कॉल्ड मॉडर्न थ्योरी ऑफ कैटालिसिस सॉलिड कैटालिस्ट के फीचर्स क्या होते हैं एक्टिविटी कोई भी एक कैटालिस्ट किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन में काफ़ी एक्टिव हो सकता है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि स, एक कोई पर्टिकुलर कैटालिस्ट है वो सभी रिएक्शंस की को कैटालाइज कर सकता है मींस कोई भी रिएक्शन ले लें ले, आप एक पर्टिकुलर कैटालिस्ट को यूज कर लें तो ऐसा नहीं है कि वो सभी रिएक्शंस की जो राइट ऑफ रिएक्शन है वो निक्रीज़ कर देगा तो इस वजह से क्या होता है कि आपको सेलेक्ट करना पड़ता है तो कैटालिस्ट के केस में आपकी सेलेक्टिविटी और एक्टिविटी दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं टू आइडेंटिफाई द राइट कैटालिस्ट फॉर एनी रिएक्शन टू हैपन ऑप्टिमली एक्टिविटी मीन्स आपको एक्टिविटी देखनी पड़ती है कि कौन सा कैटालिस्ट सबसे ज़्यादा एक्टिव है किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में और किन किन कंडीशन में कौन कौन सी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में वो मोस्ट एक्टिवेट होता है कौन कौन से प्रोमोटर्स नीडेड होंगे दीज आर कार्ड कम्स अंडर द कैटेगरी एक्टिविटी दूसरा है सिलेक्टिविटी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा कैटालिस्ट आपको बेस्ट सुटेबल है फॉर द प्रोसेस सेप सिलेक्टिव कैटालिसिस सेप सिलेक्टेड कैटालिसिस जो होती है वो जियोलाइट्स के द्वारा होती है इसमें क्या होता है जो कैटालेटिक रिएक्शन होती है वो डिपेंड करती है मोस्टली सेप पे जो मैटर का सेप होता है किसी भी एलिमेंट का सेप होता है उस सेप पे डिपेंड करती है ये कैटालिसिस की प्रोसेस इस वजह से इसको क्या कहते हैं सेप सिलेक्टिव कैटालिसिस और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जियोलाइट ये प्रोसेस जियोलाइट के अंदर होती है और ये जो कैटालिटिक रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड हो रही है सेप सेप का मतलब क्या होता है पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटालिस्ट एंड साइज़ ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट मालिक्यूल्स मीन्स जो रिएक्टेंट्स मालिक्यूल्स हैं उनके साइज़ पे डिपेंड करती है प्रोडक्ट के साइज़ पे डिपेंड करती है और किस पे डिपेंड करेगी जो कैटालिस्ट के ऊपर पोर्स स्ट्रक्चर्स हैं अब जो जियोलाइट है जियोलाइट में क्या होता है हनी लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर माइक्रो पोरस एल्यूमिनोसिलीकेट्स होते हैं थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जो एल सिंगल वन ओ सिंगल वन एस आई के फ्रेमवर्क में अरेंज होते हैं इन द थ्री डायमेंशन और ये जो शेप एंड साइज होती है तो इसमें क्या होता है जियोलाइट्स द रिएक्शन टैकिंग प्लेस इन जिओलाइट्स डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स एज वेल एज अपॉन द पोर्स एंड एक्ट कैबिटीज़ ऑफ द जियोलाइट मीन्स जो कैटालिस्ट की कैबिटीज हैं उनके साइज पे भी डिपेंड करता है ये जियोलाइट्स आर फाउंड इन नेचर जो जियोलाइट्स होते हैं वो नेचर में भी फाउंड होते हैं और इनको बाई द सिंथेटिक प्रोसेस भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कैटालिसिस एनजाइम कैटालिसिस एनजाइम कैटालिसिस में क्या होता है ये जो कैटालिटिक प्रोसेस होती है वो एंजाइम्स के द्वारा होती है एंजाइम्स आर द कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन मालिक्यूल होता है और ये जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं और इनका जो सोर्स है एंजाइम्स का वो बेसिकली है प्लांट्स एंड एनिमल्स तो इस वजह से जो रिएक्शंस होती हैं एन्जामेटिक रिएक्शंस होती हैं उनको बेसिकली हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस और ये जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं बायोकेमिकल कैटालिसिस अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स कहाँ पे उपयोग होते हैं एंजाइम इन्वर्टेज इन्वर्टेज एंजाइम यूज होता है आपका सुक्रोज से जब आप ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं सुक्रोज को उस समय जो एंजाइम यूज होता है दैट इज़ कॉल्ड इन्वर्टेज इन्वर्टेज मिलता है आपको ईस्ट से जाइमेज एंजाइम आपका यूज होता है ग्लूकोज से एथिल एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड के कन्वर्जन में क्या यूज होता है जाइमेज मिलता है आपको ईस्ट से डाइटेज मिलता है आपको माल्ट से और इसका यूज करते हैं स्टार से माल्टोज बनाने में माल्टेस माल्टेस मिलता है आपको ईस्ट से इसका यूज़ करते हैं माल्टोज से ग्लूकोज बनाने में इसके बाद आता है आपका यूरिएस ये मिलता है आपको सोयाबीन में ये यूज़ होता है यूरिया को कन्वर्ट करते हैं जब हम अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड में लास्ट वन इज पेप्सिन एंजाइम पेप्सिन एंजाइम का सोर्स है स्टमक और स्टमक जो सोर्स है ये क्या क्रिएट करता है पेप्सिन एंजाइम और इसका यूज़ कहाँ पे होता है प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करने के लिए पेप्सिन एंजाइम का यूज़ होता है एंजाइम कैटालिसिस की प्रोसेस किस तरह से होती है लगभग सेम ही प्रोसेस है सारे कैटालिस्ट की इसमें क्या होते हैं रिएक्टेंट्स होते हैं आपके लेटेस्ट कंसीडर कि ये आपके रिएक्टेंट्स हैं यस इस तरह से रिएक्टेंट्स का सेप है और ये आपके एंजाइम्स हैं अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो बनाएंगे आपका एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसके बाद क्या होगा एंजाइम आपका अलग हो जाएगा प्रोडक्ट्स आपके अलग हो जाएंगे तो इस तरह से एंजाइमेटिक कैटालिसिस की रिएक्शन अक्र होती है सेम तो आज के लिए इतना ही कोलाइड्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थैंक यू सो मच